नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में गर्मी का प्रभाव कम होते ही बिहार के सरकारी स्कूलों का टाइम बदल दिया गया है, नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया। तो देखिए, बड़ी खबर शिक्षा विभाग द्वारा दी गई है और एससीएसए सिद्धार्थ ने यह बड़ा फैसला लिया है कि जब से अब चूंकि बिहार में मानसून की एंट्री हो चुकी है, बारिश होने लगी है और अब गर्मी का प्रभाव भी थोड़ा कम हो गया है, गर्मी की का असर थोड़ा कम हो गया है, उसके बाद से ही टाइमिंग में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। सुबह का टाइमिंग अब बदल कर शाम यानी सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक अब बिहार में तमाम जो सरकारी स्कूल हैं वो चलने वाले हैं। तो देखिए, नया ये जो टाइम टेबल है ये बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है और इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आपको हम बताएं तो देखिए, आपके स्क्रीन पर ये टाइम टेबल जो है वो इस वक्त स्क्रॉल कर रहा है और इसके अनुसार, और अगर इस नए टाइम टेबल की बात करें तो देखिए, सुबह 9 बजे से विद्यालय शुरू होने का समय निर्धारित किया गया है। 9 से 9:15 तक प्रार्थना, योगा, अभ्यास, व्यायाम और ड्रिल होगा। 9:15 से 9:55 तक पहली घंटी, 9:55 से 10:35 तक दूसरी घंटी, 10:35 से 11:15 तक तीसरी घंटी, 11:15 से 11:55 तक चौथी घंटी, 11:55 से 12:35 तक एमडीएम एवं मध्यांतर यानी उस वक्त टिफिन का जो वक्त होता है यानी उस वक्त बच्चे जो है वो खाना खा सकते हैं, 12:45 से 1:15 तक पांचवी घंटी, 1:15 से 1:55 तक छठवी घंटी, 1:55 से 2:35 तक सातवीं घंटी, 2:35 से 3:15 तक आठवीं घंटी, 3:15 से तक जो है वो छुट्टी दे दी जाएगी यानी छात्र छात्राओं का जो स्कूल अगर टाइमिंग देखें तो 3:15 तक ही है, लेकिन शिक्षकों को 4:30 तक रुकना होगा। 3:15 से 4 बजे तक मिशन दक्ष के अंतर्गत विशेष कक्षा, अन्य विशेष कक्षा, मिशन दक्ष एवं अन्य विशेष कक्षा के छात्रों की 4 बजे छुट्टी होगी। वहीं 4:00 से 4:30 तक वर्ग 1-2 के बच्चों को छोड़कर शेष वर्ग के बच्चों के होमवर्क को चेक करना, पाठ टीका यानी लेसन प्लान तैयार करना एवं मिशन दक्ष के बच्चों का प्रोफाइल तैयार करना एवं साप्ताहिक मूल्यांकन के आधार पर छात्र छात्राओं का प्रोफाइल तैयार करना इत्यादि, ये तमाम निर्देश जो है वो शिक्षकों के लिए है। 4:30 पर छुट्टी जो कि शिक्षकों को दी जाएगी, यानी अगर बात करें तो 9 बजे से छात्र छात्राओं को और शिक्षकों की स्कूल की टाइमिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन 3:15 तक जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं वो 3:15 तक ही स्कूल में रुकेंगे, लेकिन जो शिक्षक है उन्हें 4:30 तक रुकना होगा, 4:30 के बाद ही जो है उन्हें छुट्टी मिलेगी। वहीं 3:15 से लेकर के 4 बजे तक का जो ये 45 मिनट का जो टाइम रखा गया है वो मिशन दक्ष के लिए रखा गया है, उन तमाम जो कमजोर बच्चे हैं उनकी जो एक्स्ट्रा क्लासेस जो है वो ली जाएगी। और 4 से 4:30 की अगर बात करें तो इस बीच जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जो टीचर्स हैं, उन्हें अपना काम करना होगा, बच्चों को जो होमवर्क देते हैं उसे चेक करना, नेक्स्ट डे के लिए लेसन प्लान करना और खासकर मिशन दक्ष के अंतर्गत जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो कमजोर बच्चे हैं उनका प्रोफाइल तैयार करना कि वो कितने जो है डेवलप कर रहे हैं, वो कितना आगे विकास कर रहे हैं, और फिर 4:30 पर इन शिक्षक शिक्षिकाओं की भी छुट्टी कर दी जाएगी। तो देखिए, 9 बजे से टाइमिंग फिर से कर दिया गया है, सुबह 6 से 10 बजे तक की टाइमिंग थी, चूंकि तपिश भरी गर्मी, चिलचिलाती गर्मी, लू के थपेड़ों के वजह से बच्चे जो है वो बीमार पड़ जा रहे थे, स्कूल में ही बच्चे बेहोश हो जा रहे थे, जिसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा ये निर्णय लिया जाता है, स्कूल की टाइमिंग चेंज कर दी जाती है, सुबह 6 से 10 बजे तक ही स्कूल चलती है। और अब चूंकि बिहार में मानसून की एंट्री हो गई है, गर्मी से थोड़ी राहत लोगों को मिलने लगी है, तो शिक्षा विभाग ने नया फरमान जारी कर दिया, नया निर्देश जारी कर दिया और इस पत्र में आप देखिए कि नई जो टाइम टेबल तैयार की गई है, नया जो शेड्यूल बनाया गया है, इसमें क्या टाइमिंग है, कितने कितने घंटे तक क्लासेस चलेंगे, कब टिफिन का वक्त होगा और खासकर बात जो है अगर शिक्षक शिक्षिकाओं की बात करें तो उन्हें 7.5 घंटे तक स्कूल में रहना होगा, उनकी मौजूदगी 7.5 घंटे तक होनी चाहिए, सुबह 9 से शाम 4:30 बजे तक। वहीं अगर शिक्षक अगर छात्र छात्राओं की बात करें तो उन्हें वो 9 बजे आएंगे लेकिन 3:15 तक उनकी छुट्टी हो जाएगी। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।